सभा में श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि देने के बाद एक घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित भी होगी। सभापति देंगे स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि और आज 11 बजे से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर उनके सम्मान में आज राज्यसभा की कार्यवाही में श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद एक घंटे के लिए स्थगित की जाएगी। जानकारी के अनुसार राज्यसभा की बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। सभापति सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर शोक भी जताएंगे, उसके बाद उन्हें मौन रहकर श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर सभा की कार्यवाही एक घंटे यानी कि 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। गौरतलब है कि वेटरन सिंगर लता मंगेशकर की मौत आज होने के बाद से उनके अंतिम संस्कार से पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने आज यानी 7 फरवरी को लता मंगेशकर के निधन पर शोक में 1 दिन के अवकाश की भी घोषणा कर दी है और वहीं बंगाल सरकार ने आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। आज शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया था और इसके बाद ही आज सुबह 11 बजे से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होनी है। लता मंगेशकर को राज्यसभा में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। श्रद्धांजलि देने के बाद 1 घंटे के लिए कार्यवाही को स्थगित भी किया जाएगा। सभापति स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि देंगे। तो लता मंगेशकर को राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभापति स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देंगे और कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित किया जाएगा। यानी कि आज सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी जो कि 10 बजे शुरू होनी थी और श्रद्धांजलि देने के बाद 1 घंटे के लिए कार्यवाही को स्थगित करने की बात कही गई है। सभापति लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और आज सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी और लता मंगेशकर को राज्यसभा में आज श्रद्धांजलि दी जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।